हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंप्लीट डेंचर। तीन मेन रीजन होते हैं जिसके लिए पेशेंट डेंचर के रिक्वायरमेंट के साथ आपके पास आता है। एक होता है फंक्शन, पेशेंट बोलेगा मुझे खाना खाना है, खाना चबाने के लिए उसको दांत चाहिए। दूसरा होता है स्पीच, जो कि टीचर्स होंगे, सिंगर पेशेंट होते हैं, वो सब उनको स्पीच प्रोडक्शन के लिए एक कंप्लीट डेंचर दांत की रिक्वायरमेंट होती है। बिना दांत के फोनेटिक्स नहीं होती है, स्पीच प्रोडक्शन नहीं होती है, बहुत सारी साउंड नहीं निकलती है, तो उसके लिए उन्हें दांत चाहिए। तीसरा होता है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स में बहुत सारी फीमेल पेशेंट आती हैं जिनको, जो बोलती हैं आके आपको कि मेरे जैसे पहले दांत थे वैसे के वैसे दांत मुझे लगा के दीजिए, आप गुड अपीयरेंस चाहिए, नेचुरल अपीयरेंस चाहिए। उसके लिए आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंप्लीट डेंचर। जिन डेंटिस्ट को कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंप्लीट डेंचर नहीं आता है वो एक डेंचर लुकिंग डेंचर बना के देते हैं, फॉल्स लुकिंग, और एक आर्टिफिशियल लुक आता है उनके डेंचर के अंदर। लेकिन अगर आपको कैरेक्टराइजेशन आता है, कैरेक्टराइजेशन पढ़ा है, तो आप एकदम नेचुरली लुकिंग अपीयरेंस दे सकते हैं पेशेंट के डेंचर में। कैरेक्टराइजेशन दो तरीके से, या तो एक आप करेंगे डेंचर के टीथ को मॉडिफाई, डेंचर के टीथ को या डेंचर बेस को, इन दोनों की मॉडिफिकेशन से कैरेक्टराइजेशन होगा। डेंटोजेनिक कॉन्सेप्ट फ्रेश एंड फिशर 1955 में दिया था, जिसमें उन्होंने एसपीए फैक्टर दिया था, सेक्स, पर्सनालिटी, एज, सेक्स के बेसिस पे अलग अलग दांत लगाएंगे ताकि डेंचर का लुक जो है बदल, एक जैसा ना रहे सारे पेशेंट में। पर्सनालिटी के बेसिस पे, अगर कोई बहुत विग्रस पर्सनालिटी है, कोई अगर जॉली पर्सनालिटी है, तो उसके अलग टाइप के दांत होंगे, एज के अकॉर्डिंग अलग होंगे। ये सब आज के वीडियो में नहीं पढ़ेंगे हम। बेसिकली उन्होंने एक फुली एक्सप्रेसिव स्माइल के लिए, एक चार्म, कैरेक्टर, डिग्निटी और ब्यूटी एक स्माइल में डाली थी। तो कैरेक्टराइजेशन दो हेडिंग के अंडर पढ़ेंगे हम लोग। एक है डेंचर के टीथ, आप डेंचर के टीथ को मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि वो नेचुरल लुकिंग आए। दूसरा आपके पास आता है डेंचर बेस। डेंचर के टीथ और डेंचर बेस। डेंचर टीथ में सबसे पहले क्या है, दांत को आप कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं कि वो नेचुरल लुकिंग आए, कि आप टीथ की पोजीशनिंग बदल रहे हैं। जैसे आप आइडियल टीथ सेटिंग कर रहे थे, आप वैसे टीथ सेटिंग नहीं करेंगे। एक दो दांत जो ऑलरेडी पेशेंट की, कोई फोटोग्राफ देखिए, कास्ट है कास्ट देखिए, रेडियोग्राफ है रेडियोग्राफ देखिए, किसी भी तरीके से देखिए कि कोई भी एक या दो दांत एंटीरियरली पहले जैसा था, आप वैसे पोजीशन करेंगे तो पेशेंट को बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग होगा, क्योंकि जैसे उसके पहले दांत थे, जैसे उसकी पहली स्माइल थी, आपने वही स्माइल रिस्टोर कर दिया। कोई भी नेचुरल इररेगुलरिटी ला दीजिए, या फिर रोटेशन, रोटेट कर दिया कोई दांत। अगर पेशेंट के मुंह में ऑलरेडी डायस्टिमा प्रेजेंट है, दो सेंट्रल्स के बीच में स्पेसिंग प्रेजेंट है, तो वो स्पेसिंग आप दोबारा से रिस्टोर करके नेचुरली अपियरिंग, प्लीजिंग अपियरेंस जो है ला सकते हैं। दूसरा है कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं रिस्टोरेशन के साथ। कोई भी दांत में रिस्टोरेशन कर सकते हैं, अमलगम की फिलिंग, गोल्ड की फिलिंग, पोस्टीरियर दांत में, एंटीरियर में नहीं करना है, पोस्टीरियर दांत में अगर आप करेंगे तो उससे नेचुरली लुकिंग आएगी कि हाँ पहले जैसे पेशेंट, जैसे किसी भी इंडिविजुअल के मुंह में रिस्टोरेशन प्रेजेंट होती है, ऐसे लगेगा कि ओरिजिनल दांत है। तीसरा कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं कैरेक्टराइजेशन बाय टूथ वियर। 50 प्लस एज के बाद ऑलमोस्ट सबके दांतों में एट्रिजन, एब्रेजन, इरोजन कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, कोई ना कोई टूथ वेयर तो होता है। अगर आप इस टूथ वेयर को मिमिक कर देते हैं डेंचर के दांत के अंदर, तो एकदम नेचुरल अपियरिंग, प्लीजिंग अपियरेंस आएगी। जैसे डेंचर के टीथ प्रेजेंट है, आप वैसे डेंचर के टीथ नहीं करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, और आप फिर आप डेंचर के टीथ लगा देते हैं। तो ये हो गया आपके डेंचर के टीथ में। डेंचर बेस आप कब कैरेक्टराइजेशन करते हैं, अगर पेशेंट में गमी स्माइल प्रेजेंट है, स्माइल कर रहा है और बहुत सारा गम्स विजिबल है, एक्टिव अपर लिप है, प्रोमिनेंट प्री मैक्सिलरी प्रोसेस है, या फिर पेशेंट कोई सिंगर या स्टेज परफॉर्मर है जिसमें उसकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स के क्लिक होनी है, तो उसमें आप डेंचर टीथ के साथ साथ आप डेंचर बेस को भी मॉडिफाई करते हैं, उसका भी कैरेक्टराइजेशन करते हैं। दो तरीके से हो सकता है, या आप कर रहे हैं वैक्सअप के टाइम पे, दूसरा आप कर रहे हैं स्टेन डेंचर बेस को। तो वैक्सअप के टाइम पे आप क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इंटरडेंटल पैपिला,
इंटरडेंटल पैपिला जब आप वैक्सअप कर रहे हैं उस टाइम पे इंटरडेंटल पैपिला को इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, इंटरडेंटल पैपिला ला दीजिए एंटीरियर दांतों में, लेकिन बहुत ज्यादा मोटा इंटरडेंटल पैपिला नहीं बनाना है, एज के साथ इंटरडेंटल पैपिला शॉर्ट हो जाता है तो छोटा बनाना है। और ऐसे नहीं कि फूड एक्यूमुलेशन हो, फूड एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए, ईज ऑफ क्लिनजिलनेस होनी चाहिए। दूसरा, वैक्स कार्विंग के टाइम पे हमेशा करते हैं रूट प्रोमिनेंस, जिसको फेस्टूनिंग भी बोलते हैं। ये वैक्स कार्विंग के टाइम पे कस्पिड प्रोमिनेंट, आपको केनाइन की रूट बहुत प्रोमिनेंट करनी है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट भी नहीं करनी है कि पेशेंट को बीच में हर्ट होने लगे और अजीब सा फील हो, तो केनाइन की रूट प्रोमिनेंट करनी है। रूट जब आप बनाएंगे उसके बाद मर्ज करनी है नीचे बॉर्डर्स के साथ, रूट को एज इट इज नहीं छोड़ देना, बॉर्डर्स के साथ मर्ज करना है। तीसरा है स्टिपलिंग। स्टिपलिंग एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अटैक जिनजाइवा का, आपने पैरियो में पढ़ा है स्टिपलिंग, ऑरेंज पील अपियरेंस। ये आप कैसे ला सकते हैं, अटैक जिनजाइवा में लानी है, जैसे ही आपने हीट किया, वैक्सअप हो गया आपका, फिनिशिंग हो गया आपकी, हल्का सा हीट कीजिए नीचे अटैक जिनजाइवा के पोर्शन की वैक्स को, और स्टिफ ब्रश लेके उस पर ऐसे ऐसे लगाएंगे तो डॉट 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 बन जाएंगे। या तो आप ब्रश से कर लीजिए या स्पंज से कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए। फिर आप क्या बनाएंगे, जिंजाइवल सल्कस। जैसे कि हमारे मुंह में जिंजाइवा में सल्कस प्रेजेंट होता है, टीथ और गम्स के बीच में एक हल्का सा सल्कस बनाएंगे। या आप बना सकते हैं एक्सप्लोरर की नंबर 23 एक्सप्लोरर टिप के साथ भी बना सकते हैं। आप फ्रीनम बनाएंगे, लेबियल फ्रीनम आपको बनाना है और पैलेटाइन रूगे। रूगे बनाने के दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट वैक्स अप करके वैक्स से ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल के रूगे बना सकते हैं, कार्विंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप जो पेशेंट के मुंह में रूगे प्रेजेंट हैं उसको मिमिक कर सकते हैं टिन फॉइल के साथ। आपने कास्ट लिया, कास्ट के ऊपर टिन फॉइल रखा, एक दूसरा टिन फॉइल रखा, उसके बाद आप दूसरे टिन फॉइल को रखने के बाद इरेजर से उस पर प्रेशर डालेंगे, रब करेंगे, तो क्या होगा, जो नीचे वाला टिन फॉइल है उसके अंदर पूरे के पूरे रगे के पैटर्न आ जाएंगे, ऊपर वाला जो टिन फॉइल है वो वेस्ट हो चुका है क्योंकि उसके ऊपर रबर के मार्क्स है, तो ऊपर वाला टिन फॉइल को डिस्कार्ड कर दीजिए। नीचे वाला जो टिन फॉइल है उसको कट करना है, जैसे जैसे पैटर्न में रगे हैं उतने उतने पीसेस में कट कर लीजिए। उसके बाद जो डेंचर बेस है आपका, उस डेंचर बेस को ट्रिम करके उसके ऊपर वैक्स डाल के टिन फॉइल को रख के जो जो रगे के पैटर्न है वैसे वैसे रख के और उसके ऊपर वैक्स से उसको सील कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डेंचर बेस में। वैक्सअप के टाइम पे आप क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, दूसरा आपका आता है स्टेनिंग द डेंचर बेस। डेंचर बेस को आपने स्टेन किया, इसमें छोटी सी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एक तो बेस्ड ऑन टाइम ऑफ स्टेनिंग है। सबसे पहला है बेस्ड ऑन टाइम ऑफ स्टेनिंग, कब आप स्टेन कर रहे हैं, कब कर सकते हैं स्टेन, या तो आप प्रोसेसिंग से पहले कर सकते हैं या प्रोसेसिंग के बाद कर सकते हैं। बिफोर डेंचर प्रोसेसिंग और आफ्टर डेंचर प्रोसेसिंग। दूसरा है बेस्ड ऑन द पेशेंट। बेस्ड ऑन द पेशेंट, अगर पेशेंट के मुंह में बहुत ज्यादा पिगमेंटेड अटैच जिनजाइवा, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड ओरल टिश्यूज हैं, तो डीपली पिगमेंटेड ओरल टिश्यूज, पेशेंट विद अ डीपली पिगमेंटेड ओरल टिश्यूज और लाइटली पिगमेंटेड ओरल टिश्यूज। सबसे पहले पाउंड ने स्टेन किया था 1951 में, पाउंड ने सिफ्ट इन टेक्निक दी थी। पाउंड ने स्टेनिंग की, फ्लास्किंग किया, डीवैक्सिंग किया, डीवैक्सिंग करने के बाद सारा का सारा वैक्स हटा के क्लीन करके उसके ऊपर सेपरेटिंग मीडिया लगाने के बाद जो स्टोन का इन्वेस्टमेंट सरफेस है उसके ऊपर उन्होंने स्टेन किया। ये किट जो उन्होंने यूज की थी वो रैपलीडेंट, जिसके अंदर 8 डिस्पेंसर की बॉटल्स आती हैं। तो इसमें स्टेनिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं, बेसिक कलर से स्टार्ट करते हैं, एच कलर का एक बॉटल आता है, एच कलर का स्टेन फेशियल एस्पेक्ट पे डालते हैं,
अटैच्ड जिंजाइवा जहां जहां पे हमारा होना है वहां वहां पे हमने एच का पॉलीमर डाला है। अब मोनोमर जो हम यूज करते हैं हीट क्योर का, यानी लिक्विड आप हीट क्योर का डाल रहे हो और पाउडर आप ये वाले स्टेन्स यूज कर रहे हैं, तो एच जो बेसिक कलर है उसमें आपने फेशियल एस्पेक्ट पे डाला अटैच जिंजाइवा पे, उसके बाद आप एफ कलर डालते हैं जो कि लाइट रेड है, एफ कलर डालते हैं जो कि लाइट रेड है, ये आपने एच के ऊपर ऊपर डाला और एक्सटेंड किया पूरे के पूरे फ्लैंज एरिया में। उसके बाद आपने डाला ई कलर, ई कलर, ई बॉटल जो है वो है पर्पल कलर की, ये आपने म्यूको जिंजाइवल जंक्शंस पे डाली है। उसके बाद आपने डाला है ए कलर, ए बॉटल, ए बॉटल जो है वो मीडियम रेड है, ये फ्लैंज से बॉर्डर की तरफ जाएंगे। ए कलर जो है वो बहुत थोड़ा सा डार्क रेड है, तो ये आपने बहुत केयरफुली यूज करना है, इसको बहुत ज्यादा नहीं डालना, ऐसे ही आप दूसरी साइड पे करेंगे। तो सबसे पहले आपने बेसिक कलर डाला, उसके बाद लाइट रेड बेसिक कलर आपने डाला फेशियल एस्पेक्ट अटैच जिंजाइवा पे, मोनोमर आपने लिक्विड लेना हीट क्योर का, एफ जो है लाइट रेड कलर है जो एच के ऊपर डाला है और फ्लैंज तक एक्सटेंड करना है, उसके बाद ई कलर पर्पल कलर म्यूको जिंजाइवल जंक्शंस पे डाला है डार्क ताकि सेपरेट कर सके अटैच जिंजाइवा फ्री जिंजाइवा को, और ए कलर जो कि मीडियम रेड है वो फ्लैंज से आपने बॉर्डर की तरफ डाला है जो मिमिक कर रहा है आपके अटैच जिंजाइवा को, दूसरी साइड भी सेम करना है और 15 से 20 मिनट तक सेट होने के लिए छोड़ देना। ये हो गया आपका एक तरीका। दूसरा तरीका जो रुड एंड मैरो बुक पता है आप सबको, रुड एंड मैरो ने ब्राउन और पर्पल स्टेन यूज किया था, उन्होंने क्या लिया था, एफ सबसे पहले लिया था, एफ स्टेन सबसे पहले नेक ऑफ द टीथ पे डाला था बहुत थिन, यहां जहां पे अगर आप फ्लास्क को सेपरेट करते हैं तो एक तरफ दांत आते हैं एक तरफ आपका कास्ट आता है, तो जहां पे आपके दांत हैं उसके दांतों के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके आपने एफ स्टेन डाला नेक ऑफ द टीथ पे बहुत पतली लेयर, उसके बाद ब्राउन कलर की रेजिन डाली है एफ के ऊपर, उसके बाद उन्होंने रेड फाइबर्स डाले म्यूको जिंजाइवल जंक्शन पे डालते हैं रेड फाइबर्स डालते हैं, फिर अटैच जिंजाइवा रीजन में म्यूको जिंजाइवल जंक्शन पे, फिर उसके बाद ए पे शिफ्ट कर लिया दोबारा जो कि अपना मीडियम रेड था थोड़ा डार्क रेड था वो इन फाइबर्स के ऊपर डाल दिया, फिर उसके बाद उन्होंने डाले पर्पल फाइबर्स ई कलर के ई बॉटल के, जिससे क्या होगा मॉटल और स्कैटर्ड पैटर्न अपियरेंस आएगा। उसके बाद जो आपके प्रोमिनेंसेस हैं रूट प्रोमिनेंसेस जो आपने यहां पे फेस्टूनिंग में रूट प्रोमिनेंसेस बनाए थे उस पे हाईलाइट करना है लाइट स्लाइटली येलो कलर से। तो ये आपके हो गए दो तरीके कैरेक्टराइजेशन के, और भी बहुत तरीके हैं, अगर आपको और तरीके जानने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसमें नोट्स हैं कैरेक्टराइजेशन के। प्रॉब्लम कुछ आती है कैरेक्टराइजेशन करने में, अगर हम लोग बिफोर प्रोसेसिंग कैरेक्टराइजेशन करते हैं तो हमें जैसे कि ये पाउंड की सिफ्टिंग टेक्निक है इसमें पता नहीं चलता है कि आप कैसे कितना कलर डाल रहे हैं और कैसा रिजल्ट आ रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें। अगर बहुत सारे केसेस में टिंटिंग टिंट जो होता है बहुत रेड हो जाता है, टू मच आपने कलर डाल दिया, तो उसमें आपको क्या करना है केयरफुली रहना है कि बहुत ज्यादा रेड कलर नहीं रहना है। डेंचर में हॉरिजॉन्टल स्ट्रीक्स आ जाती हैं जिसमें आपने जो टिंटिंग यूज किया उसको ब्लेंड नहीं किया है ठीक से, तो अलग अलग कलर की लाइन्स दिख रही है उसमें, ओवरलैप करना है रेजिन को एक एप्लीकेशन के ऊपर दूसरी एप्लीकेशन डालनी है, अलग से डिमार्केट नहीं करनी है, स्टोन एडियर कर जाता है बहुत केसेस में टिंटेड रेजिन पे, फ्लास्क के ऊपर ही आपका जो है स्टेन रह जाता है। वो केसेस में आपने अगर सेपरेटिंग मीडिया नहीं यूज किया है, टिन फॉयल नहीं यूज किया है, या फिर आपने बहुत सारा मोनोमर डाल दिया है, तो वो केसेस में स्टोन के ऊपर ही आपका पूरा का पूरा टिंटेड रेजिन चिपक जाता है, डेंचर बेस के साथ नहीं आता है, तो आपको सेपरेटिंग मीडिया यूज करना और मोनोमर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा यूज नहीं करनी है। टिंटेड रीजन जो होता है वो पोरस हो जाता है डीफ्लास्किंग में कभी कभी, तो मोनोमर के इवेपोरेशन की वजह से होता है पैकिंग के टाइम पे, तो आपको क्या करना है जब जैसे ही आप टिंटिंग सरफेस डाल रहे हो उससे पहले हल्का सा स्लाइटली वेट करना है मोनोमर से। टिंटिंग रेजिन स्क्वीज आउट हो जाती है ट्रायल पैकिंग के टाइम पे, ये कब होती है जब आपने पैकिंग से पहले 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक नहीं दिया है और पूरा का पूरा जो आपका इवेपोरेट हो चुका है, इसलिए आप 15 to 20 मिनट्स का सेट होने का टाइम देंगे, उसके बाद आप बाकी की पैकिंग को प्रोसीड करेंगे। तो इसके साथ आपका खत्म होता है कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंप्लीट डेंचर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और देखते रहिए डेंटल पाठशाला।